बच्चों, तो नया सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। एक बच्चे का मैसेज था कि एग्जाम का टाइम है और यूनिट 4 एक ही कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, शायद उससे कुछ आइडिया लग जाए मुझे। तो फार्माकोग्नोसी जो कि मैंने अब तक साल भर नहीं पढ़ाया, नहीं स्टार्ट किया था, सोचा था नए सत्र से शुरू करूंगा, लेकिन ठीक है, एग्जाम का टाइम है। तो आज हम क्या करेंगे, यूनिट 4 में क्या है, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटी एंड फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉयड, टर्पिनॉयड, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन्स, टैनिन्स, ठीक, और वोलाटाइल ऑयल्स, इनके बारे में हमको डिटेल में जानना है, जिसमें से एक पोर्शन एल्कलॉयड का आज मैं फिनिश कर दूंगा इस वीडियो में। फिर टाइम मिलता है अगर कल, क्योंकि परसों आप लोगों का एग्जाम है इसका, तो फिर देखते हैं। तो बेसिकली भाई, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, एल्कलॉइड और क्यों पढ़ना है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं और उनका यूज क्या क्या है ना। तो बेसिकली बात करें हम पहले इसकी, एल्कलॉइड की, क्या होता है एल्कलॉइड। पहली चीज तो ये प्लांट डेरिवेटिव होता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और हमने हमेशा उन्हीं चीज की स्टडी करनी है जो चीजें हमको मेडिसिनल यूज में आए। तो एल्कलॉयड का बहुत सारा मेडिसिनल यूज है, जब हम थेरेपेटिक एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उस बारे में बात करेंगे, ठीक, कि कितना ज्यादा यूज है, क्या क्या यूज है। ओके, तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो एल्कलॉयड्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बेसिक इन नेचर है, नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। मींस जो भी एल्कलॉयड होगा उसमें एक नाइट्रोजन जो है फिक्स है, मींस नाइट्रोजनस बेस होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा, कंटेनिंग वन और मोर नाइट्रोजन एटम, एक या एक से अधिक, ठीक। अब इसकी वजह से क्या है, दे आर वेरी पोटेंट नेचर और फाउंड जनरली इन प्लांट्स, कुछ एक एक्सेप्शनल जो है एनिमल्स में होते हैं, अदरवाइज ज्यादातर कहां पे मिलेंगे आपको, प्लांट्स में मिलेंगे, ठीक। दूसरा, एल्कलॉइड्स वाज आइसोलेटेड फर्स्ट टाइम, क्या है, फर्स्ट टाइम एल्कलॉइड आइसोलेटेड कब, 1803 में, किसने किया था, किया था डेरोस ने, है ना, नाम ही है क्या, डेरोस ने नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने नारकोटीन, एक एल्कलॉयड है जिसका नाम क्या है, नारकोटीन, इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया था 1803 में, ठीक। ये तो बेसिक चीज ही कि सबसे फर्स्ट टाइम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन सा एल्कलॉयड भाई एक्सट्रैक्ट करके आया, तो दैट इज नारकोटीन। किसने किया था, डेरोसेन ने किया था। ओके, ये बात हो गई, एल्कलॉयड है क्या, इस पे एमसीक्यू पूछा जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कई बार नाइट्रोजन होता है, कई बार रिंग के बाहर होता है, ठीक। तो प्रॉपर्टी की बात करें हम, एल्कलॉइड क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस समझ में आ गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, बहुत पोटेंट होता है, जनरली प्लांट में होता है, और फर्स्ट टाइम नारकोटीन एल्कलॉइड जो है तो उसकी डिस्कवरी की गई थी 1803 में। ये बात हो गई। प्रॉपर्टी की बात कर ले, यूजली देखा गया है कि एल्कलॉइड कलरलेस होता है, लेकिन हमने कहा ना हर क्षेत्र में एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शनली एल्कलॉइड होता है बर्बेरीन, बर्बेरीन एल्कलॉइड जो है इसका रंग होता है येलो कलर का। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन एक तो ये हो सकता है कि जनरली एल्कलॉइड कैसे होते हैं, तो कलरलेस होते हैं, वहीं पे बर्बेरीन एल्कलॉइड की बात कर दी जाए कि इसका कलर क्या है, तो कौन सा कलर लिखोगे, येलो कलर लिखोगे, या फिर क्वेश्चन इन आंसर इन वन वर्ड में पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, कलर ऑफ बर्बेरीन एल्कलॉइड या व्हाट इज बर्बेरीन, तो दैट इज द एल्कलॉइड एंड विच हैव येलो इन कलर। ओके, नेक्स्ट है, दे आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर। यूजली एल्कलॉइड जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उनका जो नेचर होता है कैसा रहता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्विनिन सल्फेट, एमसीक्यू का क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन कौन सा है भाई, तो क्विनिन सल्फेट एल्कलॉइड, ठीक। लेकिन कुछ एल्कलॉइड ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोनीन और निकोटीन की बात करें, किसकी, कोनीन और निकोटीन की बात करें, तो निकोटीन कैसा है, लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है, राइट,
बाद में फिर प्रोसेस करके उसका सॉलिड बना लो, कुछ भी बना लो, अलग केस हो गया, लेकिन यूजुअली अल्कोलाइड के फॉर्म में लिक्विड में होता है। ओके, तो हमको सॉलिड पता चल गया, क्रिस्टलाइन पता चल गया, लिक्विड पता चल गया कौन सा है। ओके, फिर अल्कोलाइड बेसिस आर सॉल्युबल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, क्योंकि बाद में फिर नहीं ध्यान दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्कोलाइड बेस जो होते हैं, अल्कोलाइड्स जो होते हैं, बेसिकली जो सॉल्युबल होते हैं वो नॉन पोलर में होते हैं। अल्कोलाइडल बेस किस में सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, या तो पोलरिटी नेग्लिजिबल हो या नॉन पोलर हो। लेकिन जो अगर सॉल्युबल इसमें है तो इनसॉल्युबल किस में होंगे? पोलर सॉल्वेंट में होंगे, जैसे कि वाटर। तो अल्कोलाइड हमारे वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक, ये प्योर अल्कोलाइड की बात की जा रही। अब इन्हीं का हम रिएक्शन करा के अगर सॉल्ट फॉर्म बना लेते हैं, कैसा? अगर अल्कोलाइड का सॉल्ट बना ले तो ये सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो जाती है। सॉल्युबल किस में था? नॉन पोलर में। कौन? अल्कोलाइडल बेस, नॉर्मल अल्कोलाइड। अगर सॉल्ट बना ले तो नॉन पोलर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। फिर सॉल्युबल किस में होगा? जिसमें पहले इनसॉल्युबल था, वाटर में, यानी पोलर सॉल्वेंट में। ठीक, तो नॉर्मल अल्कोलाइड की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसा? सॉल्युबल है, और वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। वही सॉल्ट फॉर्म की बात कर लीजिए, अगर उसको हम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें, एसिड के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका हम सॉल्ट बना दें, तो क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। यह ध्यान रखो। स्वाद कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट होता है ना। तो बच्चों की फरमाइश क्या है कि सर स्क्रीन में दिखता नहीं, तो मैं कई बार स्क्रीन के बाहर भी जाऊंगा, ओके, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में या लिखने में दिक्कत ना आए। ठीक, तो ये बात हुई भाई बेसिक चीज का है कि अल्कोलाइड की, अल्कोलाइड की केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री कैसे है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल है इसमें। ठीक, CHO ये है अल्कोलाइड में, CHO तो है ही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और क्या है इसमें? जो पहले बात कर चुके इंट्रोडक्शन में, वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन एटम होंगे। नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे किसमें? हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी? जैसे एट्रोपीन और रिजर्पीन की बात करें, याद हो अगर स्ट्रक्चर, तो हमने एट्रोपीन के स्ट्रक्चर कुछ बेसिक रिंग जो हमारी थी लाइक दिस, इस तरह की थी, है ना? तो देखो रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या है? रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर देखो एट्रोपीन और रिजर्पीन, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि इनसाइड द रिंग है, ठीक, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई, बट समटाइम क्या होता है? नाइट्रोजन रिंग के बाहर होता है, जैसे इफेड्रिन का स्ट्रक्चर, है ना। इफेड्रिन के स्ट्रक्चर में क्या था भाई? बेंजीन रिंग थी, ऐसे करके यहां पे नाइट्रोजन, फिर CH3, फिर NH वगैरह वगैरह करके, तो नाइट्रोजन यहां पे क्या है? रिंग के बाहर लगा हुआ है। एग्जांपल कैसा? जैसे कि एफेड्रिन, राइट। तो ये क्लियर हुआ इसकी केमिस्ट्री, CHO और नाइट्रोजन का बना हुआ होगा। नाइट्रोजन रिंग के अंदर भी होगा जैसे एट्रोपीन रिजर्पीन, नाइट्रोजन रिंग के बाहर भी होगा किसमें? एफेड्रिन में। दोनों एमसीक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं या आंसर इन वन वर्ड हो सकते हैं। फिर बात करते हैं क्या, प्लांट अल्कोलाइड अकर इन बोथ फॉर्म, किसमें? नॉर्मल फॉर्म में और सॉल्ट फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। एक्सक्यूज मी, क्यों? हमने पहले भी देखा है नॉर्मल फॉर्म और सॉल्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, क्यों? क्योंकि एसिड के साथ हम रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बनाते थे। दोनों की सॉल्युबिलिटी भी हमने देख ली, दोनों की सॉल्युबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसमें पहले सॉल्युबल होता है उसमें बाद में इनसॉल्युबल हो जाता है, है ना, सॉल्ट फॉर्म में। अल्कलॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मींस जिस तरह से अल्कलॉइड का अपना बॉडी में जाने के बाद उसका जो एक्शन होता है, जो शो करता है। फिर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करें, बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा? केमिकल क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, मींस हर जगह इसको क्या है, एक्सेप्ट किया गया, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, वन बाय वन देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब जो थेरेप्यूटिक यूज है उसका, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे CNS स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट का काम करेगा, एनाल्जेसिक्स की तरह होगा, एंटीटसी या एक्सपेक्टोरेंट होगा। ठीक, ये क्या है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। फिर
इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग विद इन द सेम ड्रग। एक ड्रग के अंदर जो एल्कलॉइड है जरूरी नहीं है कि उसके सारे काम एक जैसे हों। मतलब मान लिया ये ड्रग है, इसके अंदर ए बी सी तीन तरह के एल्कलॉइड है, तो जरूरी ये नहीं है एक क्या कुछ बढ़ाने का काम करता है, जरूरी नहीं कि दूसरा भी बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का भी काम कर सकता है या कुछ और भी काम। इसका कहने का मतलब एक ड्रग के अंदर कई एल्कलॉइड हो सकते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे ओपियम एल्कलॉइड की बात करें, ओपियम में क्या मॉर्फिन भी होगा जिसका एक्शन कैसा है एनाल्जेसिक है, दूसरा कौन सा है कोडीन है जिसका एक्शन क्या है एंटीटसिव है, राइट कैसा है एंटीटसिव एक्शन हो गया, राइट। तो मींस एक ही ओपियम के अंदर दो एल्कलॉइड मॉर्फिन और कोडीन दोनों के अलग अलग काम है। फिर सिंकोना एल्कलॉइड का एग्जाम्पल ले ले, क्विनिन और क्विनिडीन, क्विनिन कैसा है एंटी मलेरियल एक्शन है और क्विनिडीन कैसा है कार्डियक डिप्रेसेंट एक्शन है, राइट। तो एक ही ड्रग के अंदर एक से ज्यादा एल्कलॉइड हो सकते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, राइट। फिर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मींस डिफरेंट डिफरेंट प्लांट क्या है अलग अलग मींस किस फैमिली से डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके नाम पे। जैसे सोलेनेसी फैमिली के जो एल्कलॉइड हैं सोलेनियस एल्कलॉइड, उसको क्या बोलेंगे हम सोलेनियस एल्कलॉइड सोलेनेसी फैमिली के। तो कौन कहता क्या है एल्कलॉइड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट फैमिली, किस प्लांट फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। जैसे सोलेनेसी फैमिली में जो एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करेंगे उनका नाम क्या करेंगे सोलेनेसियस एल्कलॉइड। फिर बायोसिंथेसिस की बात करें, बायोसिंथेसिस की बात करते हैं कहां से किस प्रिकर्सर से उसको सिंथेसाइज किया गया है, मींस कोई एक प्रिकर्सर होगा। जैसे प्रिकर्सर मतलब जैसे आपको हलवा बनाना है तो उसके लिए प्रिकर्सर क्या है सूजी, है ना, सूजी होगी या रवा होगा तो हलवा बनेगा, हलवा का प्रिकर्सर सूजी हो गया, ठीक। उसी तरह से कोई एल्कलॉइड है तो प्लांट के अंदर कुछ ऐसा प्रिकर्सर होगा जिससे हम एल्कलॉइड को सिंथेसाइज करेंगे। तो एल्कलॉइड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर फॉर्म, प्रिकर्सर फॉर्म में किस तरह है विच एल्कलॉइड आर बायोसिंथेसाइज इन प्लांट, ठीक। सो एल्कलॉइड डिफरेंट टैक्सोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजियोलॉजिकल एक्शन दोनों तरह की कंडीशन बायोसिंथेसिस में हो जाती है, टैक्सोनॉमिकल भी जो प्रिकर्सर है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी होगा और प्लांट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मींस कहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो दोनों काम हो जाएंगे बायोसिंथेटिक में। तीसरा है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड केमिकल क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड, इन दिस एल्कलॉइड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे ट्रू एल्कलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक, इसमें हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे एट्रोपीन वगैरह आपके हो गए। स्यूडो एल्कलॉइड्स एल्कलॉइड हैं लेकिन कैसे स्यूडो हैं फॉल्स एल्कलॉइड। प्रोटोटाइप एल्कलॉइड जैसे बायोलॉजिकल अमीन्स की बात करें, है ना, तो ये कुछ नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड की बात करें अगर हम, ओके, तो हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड जैसे जैसे की बात करें कैसे, जैसे मान लिया इसमें क्या हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है ना, तो एक सेकंड मैं दिखा देता हूं आपको। मान लिया कैसे हैं हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स, राइट। अब हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड मतलब एल्कलॉइड के अंदर कौन सी रिंग है, जैसे एक रिंग होती है पायरोल और होती है पायोलिडीन की, है ना, या पायरोलिडीन की। तो ये हो गया पायरोल, हमारा केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से देख रखा है, दिस इज पायरोल और ये हमारा क्या हो जाएगा पायरोलिडीन। किसमें होता है कोका स्पीसीज में, किसमें कोका की स्पीसीज जो है उसमें पायरोल और पायरोलिडीन मिलती है हमको हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड, ठीक। इसी तरह से बात करें हम पिरिडीन रिंग की बात करें, किसकी पिरिडीन एंड पाइपिरिडीन, पिरिडीन एंड पाइपिरिडीन रिंग की बात करें, पिरिडीन कैसी है कई बार बता चुके हम, है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है, ये पिरिडीन हो गया।
अब इसी पिरिडीन से सारे बॉन्ड रिड्यूस कर दो, क्या कर दो, सारे बॉन्ड रिड्यूस कर दो, यानी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन करा दो, तो क्या हो जाएगा, पाइपरिडीन हो जाएगा। तो पिरिडीन और पाइपरिडीन किसमें मिलेगी आपको, यह मिल जाएगी लोबेलिन में, लोबेलिन, और किसमें, एरोकोलीन में, एरोकोलीन में, ठीक, या और किसमें हो सकती है, एना बेसिन में, ठीक है, ये बात हो गई भाई। फिर ट्रोपेन एल्कोलाइड की बात करें, ट्रोपेन एल्कोलाइड, ट्रोपेन किसमें है, ट्रोपेन रिंग किसमें है भाई, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ट्रोपेन कौन सी होती है, ध्यान से देखो, इस तरह की रिंग जो हमने बताया था, किसमें, किस और किसमें ये रिंग है, एट्रोपीन में मिल जाएगी, और किसमें मिल जाएगी, कोकेन में मिल जाएगी, और किसमें मिल जाएगी, हायोसीन में मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह करके हेट्रोसाइक्लिक अपने आप में बहुत सारी क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे क्विनोलिन की बात करें हम, कौन सी, क्विनोलिन रिंग की बात करें, क्विनोलिन रिंग हमने पहले भी आपको समझाया है भाई, क्या समझाया है, बेंजीन के साथ पिरिडीन रिंग का फ्यूजन कर दो, बेंजीन के साथ पिरिडीन रिंग का फ्यूजन कर दो, ये पिरिडीन रिंग हो गई और ये बेंजीन रिंग, दोनों को फ्यूज कर दो तो क्या हो जाएगी, क्विनोलिन हो जाएगी। ये किसमें मिलेगी, सिंकोना बार्क में, क्विनिन, क्विनिडीन और सिंको नीन या सिंकोनिडीन, है ना, इसमें मिल गई। फिर इसी तरह आइसोक्विनोलिन की बात कर लो, आइसोक्विनोलिन की बात करो, 4-6-8 एग्जाम्पल याद रखो जिससे कि एग्जाम में पूछा जाए तो लिख सको, ठीक, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ ये पिरिडीन रिंग है, चूंकि आइसोक्विनोलिन है इसलिए इसकी लोकेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये जो है आइसोक्विनोलिन हो गया। फिर किसकी बात करें, इंडोल की बात कर लो, इंडोल में क्या, बेंजीन रिंग के साथ, ये भाई बेंजीन रिंग हो गई, इसके साथ पायरोल का मर्जर कर दो, है ना, पायरोल रिंग का क्या करो, फ्यूजन कर दो, तो ये हो जाएगा इंडोल। अच्छा आइसोक्विनोलिन कहां पे होगी, आइसोक्विनोलिन कहां मिलेगी, हमारा मॉर्फिन में मिल जाएगी, कोडीन में मिल जाएगी, इमेटिन में मिल जाएगी, है ना, और रिजर्पीन में मिल जाएगी, रिजर्पीन में मिल जाएगी, विनक्रिस्टिन में मिल जाएगी। इंडोल की बात करें, इंडोल किसमें मिल जाएगी आपकी, इंडोल एर्गोमेट्रिन में, एर्गोट में, है ना, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन में, किसमें, एर्गोटामाइन में, इस तरह से करके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो बड़े आराम से, ठीक। ये बात हुई कहे कि हेट्रोसाइक्लिक की, वापस हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलाइड बात पता चल गई, कौन कौन सा रिंग है ना, इस तरह बहुत सारे रिंग्स हैं, जब स्ट्रक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्लांट के किस पार्ट से, मींस जो एल्कोलाइड है वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई एक प्लांट है बड़ा सा, मान लिया मैं प्लांट हूं, कोई एल्कोलाइड मेरे सर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मींस एक्सट्रैक्ट करना तो मेरे सर को निकालो और यहां से एक्सट्रैक्ट करो, कोई एल्कोलाइड मेरे हाथ में होगा, मतलब हाथ काटो और हाथ को भाई पिघला उघला के जैसे प्रोसेसिंग करके एक्सट्रैक्ट करके निकालो। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पेड़ के अंदर, पेड़ के किस पार्ट में एल्कोलाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लांट फ्लावर में है, स्टेम में है, लीफ में है, फ्रूट में है, है ना, जड़ में है, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसी की बात करेंगे। तो एल्कोलाइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन हायर प्लांट एंड रेयरली इन लोअर प्लांट, है ना, छोटे छोटे प्लांट में कम होते हैं, बड़े बड़े प्लांट में ज्यादा होते हैं। एल्कोलाइड्स अकर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर फॉलोज, तो रूट्स एंड राइजोम में कौन कौन सा एल्कोलाइड मिलते हैं, इपेकैक, बेलाडोना, रॉल्फिया, एकोनाइट, ठीक। तो ये जो एल्कोलाइड है किसमें मिलते हैं, रूट्स एंड राइजोम्स में,
बेलाडोना, वैसे पूरा पूरा प्लांट ही है लेकिन बेसिकली कहां रूट एंड राइजोम्स में मिलता है। स्टेम की बात करें, स्टेम में भाई कौन सा मिलता है, इफेड्रा और लोबेलिया। इफेड्रा और लोबेलिया एल्कलॉइड जो है, इसमें जो एल्कलॉइड मिलता है कहां पे, उसके स्टेम में मिलता है। बार्क में कौन सा मिलता है एल्कलॉइड भाई, सिंकोना और कुर्ची बार्क में मिलता है, सिंकोना और कुर्ची की बार्क में। लीफ में किसके, धतूरा, वसाका, विनका, हायोसाइमस, इनकी लीफ में एल्कलॉइड मिलता है। ठीक, फ्रूट की बात करें तो ओपियम और ब्लैक पेपर, काली मिर्च है ना, इनके जो है प्लांट के फ्रूट में एल्कलॉइड मिलता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सीड की बात करें तो कॉल्चिकम और नक्स वोमिका प्लांट के सीड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एल्कलॉइड। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई। स्टेम में किसमें, इफेड्रा लोबेलिया। बार्क किसका, सिंकोना और कुर्ची बार्क। लीफ में किसके, धतूरा हो गया आपका, वसाका हो गया, विनका हो गया, हायोसाइमस हो गया। फ्रूट किसमें, ओपियम ब्लैक पेपर। सीड किसमें, कॉल्चिकम और नक्स वोमिका, है ना। तो इतनी चीजों में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और भी ये नंबर ऑफ, लेकिन हमको जितनी जरूरत है वो हम देख लेंगे। अब ये पता चल गया कि ये यहां से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। इसके देखो दो मेथड हैं, दो मेथड है, थोड़ा कंपैरेटिव बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, जहां से निकालना है, किसी प्लांट से निकालना, किसी सीड से निकालना, किसी बार्क से निकालना, किसी लीफ से निकालना है, किसी स्टेम से निकालना, पहले उसको लो, उसको क्या करो, कुचल के छोटा छोटा सा पाउडर बना लो। ठीक, फिर पाउडर मटेरियल को, पाउडर्ड मटेरियल को क्या करो, पानी से मॉइस्ट कर दो। पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, ज्यादा नहीं, थोड़ा पानी, मॉइस्ट हो जाए ना। फिर उसको, उसका ट्रीटमेंट करो किससे, लाइम से, लाइम से उसका ट्रीटमेंट कर दो। उसके बाद जब लाइम से ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मींस उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाओ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा, जैसे आपका बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाओ। ठीक, तो उससे क्या होगा, जो मॉइस्टेंट है, लाइम से ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद वो जो एल्कलॉइड है वो किसमें आ जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, आ जाएगा तो उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद जो भाई छन्नी लिया आपने, फिल्टर किया, तो जो रफ पाउडर है, वो जो पाउडर है वो ऊपर रह गया और उसके अंदर से एल्कलॉइड नीचे आ गया, तो जो ऊपर का रहता है उसको निकाल के फेंक देते, तो डिस्कार्ड पाउडर मटेरियल जो छन्नी के ऊपर रह गया उसको हम बाहर फेंक दिए, और जो हमारे काम का है फिल्ट्रेट जो नीचे आ गया है, ठीक, जिसमें एल्कलॉइड घुल गया है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा पानी। ठीक, पानी मिलाने से फायदा यह होगा कि ये दो लेयर में सेपरेटिंग फनल में, दो लेयर में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जिसमें से एक्वस लेयर, जिसमें कि बहुत सारी इंप्योरिटी होगी, पानी में घुलनशील जो इंप्योरिटी है वो एक्वस लेयर में आ जाएगी, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो बचा हुआ हमारे पास जो ऑर्गेनिक लेयर है, भाई हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट किए थे ना, तो ऑर्गेनिक लेयर में जो हमारा एल्कलॉइड कंटेनिंग है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसमें हम एसिड और वाटर एल्कलॉइड को ऐड करते हैं, थोड़ा सा एसिड, जिससे कि क्या होगा, वो सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्या होगा, हम सॉल्ट बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एसिड और वाटर को हम उसमें ऐड करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक में, जिसमें कि हमारा एल्कलॉइड मिक्स है। तो जैसे ही हम पानी और एसिड डालेंगे वो सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, जब सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा तो फिर अब क्या है, हमारा सॉल्ट बन गया। जब सॉल्ट बन गया, पानी के साथ सॉल्ट बनाया ना, तो अब हमारी जो ऑर्गेनिक लेयर है वो बेकार थी, वो तो खाली सॉल्वेंट का काम किया, तो अब सॉल्वेंट का हमारा कोई काम किया, क्योंकि सॉल्वेंट का जो काम था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके हमने फेस बदल दिया, नॉर्मल से हमने सॉल्ट बना लिया। ठीक, तो अब ऑर्गेनिक का काम खत्म हो गया, ऑर्गेनिक लेयर को, तो ऑर्गेनिक लेयर को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर दिए। देखो बीच में हमने पानी मिलाया था, पानी की लेयर भी हटा दी, सॉल्वेंट मिलाया था हमने, क्या ऑर्गेनिक लेयर, अब ऑर्गेनिक लेयर भी बाहर हो गई। ठीक, तो फिर जो हमारा बचा हुआ है, कौन सी, एक्वस लेयर, सॉल्ट फॉर्म में है ना, एसिड और सॉल्ट के फॉर्म में जो एक्वस लेयर एल्कलॉइड है, इसको क्या करते हैं, हम प्योरली सेपरेट कर लेते हैं बाई क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। प्योरली इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बाई क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ठीक, यहां तक कोई संदेह,
मेरे भाई सबसे पहले पाउडर लो, उसको मॉइस्ट करो, लाइम के साथ उसको ट्रीट करो, फिर एक्सट्रैक्ट करो किसके साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा, बेंजीन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हो गया। फिर क्या करो, इसको फिल्टर कर लो छन्नी से। छन्नी से फिल्टर कर लिया तो जो घुलनशील हमारा एल्कोलाइड है वो नीचे आ गया, तो ऊपर जो छन्नी के वो फेंक दो, डिस्कार्ड कर दिया। फिर क्या किया हमने, जो नीचे आया फिल्ट्रेट उसमें हमने थोड़ा पानी मिला दिया। जब पानी मिलाओगे तो पानी में जो घुलनशील है क्या होगा, जो पानी में मिला दिया हमने, क्या किया पानी में मिलाया, तो पानी में जो घुलनशील जितनी इंप्योरिटीज हैं वो सारी निकल जाएंगी एक लेयर से, और बचेगी क्या हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर में जो बना हमारे पास नॉर्मल एल्कलॉइड है। अब इसको हम सॉल्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और सॉल्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए एसिड और वाटर का काम करेंगे। एसिड और वाटर मिलाएंगे, एसिड और वाटर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्ट फॉर्म में। अब सॉल्ट बन गया तो ऑर्गेनिक लेयर का काम खत्म। ऑर्गेनिक लेयर सेपरेटिंग फनल से सेपरेट आउट करके उसको बाहर कर दिया। पानी में जो घुलनशील हमारा एल्कलॉइड है इसको क्या प्योर फॉर्म में हम बाइक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये हुआ मेथड वन। इसी से मिलता जुलता है मेथड टू, जहां पे हमने येलो किया है यही खाली चेंजेस हैं। तो ध्यान से देखो, पाउडर्ड मटेरियल लिया हमने मेथड टू, है ना। हमारा दोनों का अल्टीमेटली काम क्या है, प्योर फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करना, किसको एल्कलॉइड को। पाउडर मटेरियल लिया, उसको पानी से हमने मॉइस्ट कर दिया, वहां पर ट्रीट किया था हमने लाइम से, यहां पर ट्रीट करेंगे हम एसिड से, ठीक। एक्सट्रैक्ट विद, वहां एक्सट्रैक्शन किया था किससे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, यहां एक्सट्रैक्शन करेंगे वाटर या एल्कोहल से। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद वहां भी फिल्टर किया था, यहां भी फिल्टर कर लेंगे। वहां पे भी फिल्टर करने के बाद जो ऊपर डिस्कार्ड कर रहे पाउडर, जब फिल्टर किया तो पाउडर फॉर्म डिस्कार्ड कर देंगे, और जो बचा हुआ फॉर्म है हमारा नीचे का उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, एड करेंगे एसीटोन, ठीक। वहां पर हमने एड किया था पानी, जैसे पानी हमने क्या किया, पानी ऐड किया था, और पानी ऐड करने के बाद पानी में जो घुलनशील इंप्योरिटी थी वो निकल गई थी। यहां हमने एसीटोन ऐड किया है, तो एसीटोन ऐड करने से एसीटोन क्या हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक। तो अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो घुलनशील है, पहली बार में क्या था, जो पानी में घुलनशील इंप्योरिटी थी वो हमने निकाल दी। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो घुलनशील इंप्योरिटी है वो निकाल देते हैं हम, उसको कर देते हैं रिजेक्ट, और एक्वस लेयर को सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे एल्कली से, और ऐड करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वहां हमने एसिड से ट्रीट किया था और वाटर से, जिससे सॉल्ट बनाया था, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू बेस फॉर्म, बेस के नॉर्मल एल्कलॉइड बेस के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। एक्वस लेयर को रिजेक्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक लेयर को बचा लेते हैं। वहां पर ठीक उल्टा था, वहां ऑर्गेनिक लेयर रिजेक्ट करी थी, एक्वस लेयर को बचाया था। यहां पे सब कुछ हमारा ऑर्गेनिक लेयर में है एल्कलॉइड। बाद में इसको हम क्या करते हैं, बाइक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या करते हैं, प्योर एल्कलॉइड को हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों मेथड हुए कंपेरेटिव, ठीक। जहां जहां येलो है वहीं वहीं पे चेंजेस है मेथड वन मेथड टू में, दोनों को अगल बगल लिखना, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब बात करें हम कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। एल्कोलाइड को डिटेक्ट किया जाता है बाई प्रसिपिटेशन मेथड या बाई कलर अपीयरेंस। दो तरीके हैं एल्कोलाइड को जानने के। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, या तो उसका प्रसिपिटेट बनेगा, ठीक, डिटेक्शन की टेक्निक है, या तो प्रसिपिटेट फॉर्म में, या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो दो ही तरीके हैं जिनकी, जिनसे हम एल्कोलाइड का डिटेक्शन करते हैं, और उसी के बेस पे एल्कोलाइड के टेस्ट हैं, राइट। जैसे पहला टेस्ट है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्कलॉइड जो है रेडिस पार्टिसिपेट करता है, प्रेसिपिटेट करता है, रेडिस कलर का प्रेसिपिटेट नीचे इकट्ठा हो जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल मटेरियल, मींस पहले सॉल्युबल था, बाद में इनसॉल्युबल हो गया, तभी तो प्रेसिपिटेट दिखा हमें, राइट। किस केस में, मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड ये टेस्ट देते हैं, मोस्ट ऑफ एल्कलॉइड ये टेस्ट देते हैं। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट की बात करें, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। पूछे ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट तो क्या बोलोगे, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड को हम बोलते हैं ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, राइट। फिर दूसरा बात करें दूसरे की रिएजेंट की, हैगर्स रिएजेंट। हैगर्स रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड की जब हम एल्कलॉइड के साथ रिएक्शन कराते हैं या ट्रीट करते हैं तो येल्लो प्रेसिपिटेट देता है, और मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड ये टेस्ट भी देते हैं, राइट। फिर तीसरा है हमारा मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। देखो ये एमसीक्यू में या क्वेश्चन इन वन वर्ड में बहुत पूछते हैं, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है,
सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, हैगर्स रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, मेयर्स रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड, राइट। तो इसका जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसमें क्रीमी प्रेसिपिटेट देता है, कैसा, क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट, और ये टेस्ट भी मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है वैगनर रिएजेंट। वैगनर रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, उसको बोलते हैं वैगनर रिएजेंट। और ये जब एल्कलॉइड के साथ ट्रीट करो तो रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, जो प्रेसिपिटेट होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिस ब्राउन हो जाता है, और मोस्ट ऑफ एल्कलॉइड इसको भी, इस टेस्ट को भी देते हैं, ठीक। अगला है वैन उर्क रिएजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है रिएजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाई मिथाइल अमीन बेंजल्डिहाइड। सल्फ्यूरिक एसिड और डाई मिथाइल अमीन बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, वैन उर्क रिएजेंट। व्हाट इज वैन उर्क रिएजेंट, तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाई मिथाइल अमीन बेंजल्डिहाइड को बोलते हैं उर्क रिएजेंट, और ये वायलेट कलर देता है स्पेशली एर्गॉट एल्कलॉइड के लिए। तो पूछे कि एर्गॉट एल्कलॉइड के लिए स्पेशल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है, तो वैन उर्क रिएजेंट, या पूछे वैन उर्क रिएजेंट किस एल्कलॉइड के लिए, तो एर्गॉट में चाहे एर्गोटामिन हो चाहे एर्गोमेट्रिन हो, है ना, जो भी एल्कलॉइड्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, किससे रिलेटेड, हमारा वैन उर्क रिएजेंट के साथ में, और कैसा कलर देते हैं, वायलेट कलर का कलर देते हैं, राइट। तो ये कुछ टेस्ट हुए, कुछ और देखते हैं टेस्ट भाई, म्यूरेक्साइड टेस्ट। म्यूरेक्साइड टेस्ट क्या होता है भाई, पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड NH, ये होते हैं रिएजेंट कौन सा, म्यूरेक्साइड का, पर्पल कलर देता है, किसके लिए देता है, टी और कॉफी के साथ। इसमें जो कैफीन एल्कलॉइड होता है, इसमें जो कैफीन एल्कलॉइड होता है वो ये टेस्ट देता है, किसके साथ, म्यूरेक्साइड के साथ। मतलब अगर पूछे कि चाय और कॉफी में जो कैफीन एल्कलॉइड है वो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करता है, तो म्यूरेक्साइड टेस्ट। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या कलर होता है, तो पर्पल कलर का ऑब्जर्वेशन रहता है, ठीक। फिर मिनरल एसिड टेस्ट है, ये कौन देता है, ये कॉल्चिसिन देता है, जिसके अंदर कॉल्चिकम एल्कलॉइड होता है, ठीक। कैसा देता है, येलो कलर देता है। फिर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम वैनेडेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, जो रिएजेंट होता है ये वायलेट कलर देता है, स्पेशली स्ट्राइक्निन में। तो स्ट्राइक्निन कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्राइक्निन जो एल्कलॉइड है ये कैसा टेस्ट देता है, तो सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम वैनेडेट इन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वायलेट कलर देता है। ठीक वैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ कौन देता है, ब्रूसिन एल्कलॉइड देता है, कैसा, क्रिम्सन रेड कलर। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसके, एल्कलॉइड्स के, जिसमें दो चार छह जो स्टार्टिंग के हैं फर्स्ट पेज के, इवन छह तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थेरेप्यूटिक यूज की, ठीक। एक टेबल है, टेबल के फॉर्म में देख लो, आसान सा है, दिमाग में भी याद रखना। क्विनिन कहां से निकलता भाई, क्विनिन एल्कलॉइड किससे, सिंकोना बाग से निकलता, सिंकोना बाग है ना, ड्रग कौन सी, सिंकोना। सिंकोना कैसी ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है, तो यूज कैसा होगा, एंटी मलेरियल होगा, ठीक। बाद में क्विनिडिन की बात करें, क्विनिडिन कहां से निकलता है, सिंकोना बाग से, यूज क्या है, कार्डियक डिप्रेसेंट के, याद रहे एंटी एरिथमिक ड्रग भी है ये, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में भी हेल्प करती है, बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मॉर्फिन कहां से निकलती है, ओपियम से, कैसा है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। मॉर्फिन से ही और कौन, सॉरी ओपियम से और कौन निकलता है, कोडीन। कोडीन कहां से, ओपियम से, यूज क्या है, एंटी टस्सिव यूज होता है, फार्माकोलॉजिकल थेरेप्यूटिक यूज, एल्कलॉइड के बेसिकली थेरेप्यूटिक यूज क्या है। रिजर्पीन कहां से, कौन सी ड्रग से निकलता है, राउल्फिया से, और जो थेरेप्यूटिक यूज है उसका कैसा है, एंटी हाइपरटेंसिव यूज है, मींस ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक। विनक्रिस्टिन की बात करें, विनक्रिस्टिन विनका एल्कलॉइड से मिलता है, सॉरी विनका से ड्रग से निकलता है, और यूज इस एल्कलॉइड का क्या है, एज एंटी कैंसर। एट्रोपीन की बात करें, एट्रोपीन एल्कलॉइड कहां से निकलता है, बेल्लाडोना से निकलता है, यूज क्या है, पैरासिंपैथोलिटिक एक्शन होता है। वैसिसिन की बात करें, वैसिसिन एल्कलॉइड वसाका से निकलता है, यूज क्या है इसका, थेरेप्यूटिक यूज क्या है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह। इफेड्रिन किससे निकलता है, इफेड्रा से, और यूज क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर से, है ना, हमारी जैसे अस्थमा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइक्निन की बात करें, स्ट्राइक्निन किस ड्रग का एल्कलॉइड है, नक्सवोमिका में, कौन सा बेसिक एल्कलॉइड होता है, मेन एल्कलॉइड होता है, दैट इज स्ट्राइक्निन, और इसका थेरेप्यूटिक यूज क्या है, स्टिमुलेंट या बिटर टॉनिक की तरह यूज करते हैं, ठीक। तो एक छोटी सी टेबल थेरेप्यूटिक यूज की, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के थेरेपेटिक यूज हो गया आपका, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, और हाँ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन थेरेपेटिक यूज में आ गया। तो कुल मिला के इसी के साथ हमारा ये एल्कोलाइड का पोर्शन पूरी तरह से खत्म होता है इट्स कम शॉर्ट टाइम में। फिलहाल एल्कोलाइड से काम चलाओ, देखते हैं अगर टाइम मिला तो कल दिन में दूसरा कोई पोस्ट कर देंगे जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, या एक्स्ट्रा कुछ और एडिशनल चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक, ओके, बाय।